हाय गाइस, आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना घर या अपनी कोई भी स्पेस डिजाइन कर रहे हो और आपके घर में बिलो 7 to 8 years के बच्चे हैं, तो आपको कौन सी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है ताकि आगे जाके आपके बच्चों को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए कि आपको पछताना पड़े। सो वी एट पलक्षा इंटीरियर्स, वी डिजाइन योर स्पेस, बीट कमर्शियल, रेसिडेंशियल या कोई भी अगर आपकी स्पेस है जो आपको हमसे डिजाइन करवानी है, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर और ओवर दिस ईमेल एड्रेस। हम आपको पूरा टंकी प्रोजेक्ट्स करके देते हैं जिसमें डिजाइनिंग भी आ गया, एग्जीक्यूशन भी आ गया। ऑल ओवर इंडिया हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए जहां पे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जो भी डोर्स के हैंडल होते हैं वो बिल्कुल शार्प नहीं होने चाहिए। डोर का हैंडल का जो हाइट होता है और 2 से 4 साल के आसपास के बच्चों का हाइट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो उससे भी अगर छोटी एज के बच्चे हैं तो वो हैंडल के ऊपर हाथ रख के हैंग करते हैं सो दैट डोर कैन ओपन। सो उसमें अगर हैंडल शार्प है तो बहुत ही खराब तरीके से हाथ कट सकता है और लग सकता है। तो उसके लिए आपको अच्छे से राउंडेड हैंडल लेने हैं सो दैट आप ये एक्सीडेंट से बच पाओ। सेकेंड पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है, वो हो गया स्कर्टिंग। घर में जो भी स्कर्टिंग लगती है वो जहां पे भी खत्म हो रही है या कोई भी स्कर्टिंग जहां पे ज्वाइंट हो रही है, वो स्कर्टिंग शार्प एज वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाता है कि स्कर्टिंग के बाजू में अगर आपका सोफा है या बेड है या चेयर है, बच्चे उसके ऊपर खेल रहे हैं और अगर गिरे तो हाई चांसेस रहता है कि सर में या हाथ में लग सकता है। मेक श्योर आपकी घर की सारी स्कर्टिंग प्रॉपरली उसकी एजेस फाइन होनी चाहिए और ज्वाइंट्स होने चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो बेड है वो कई बार ये हो जाता है कि खास करके बच्चों के रूम में ही हम फ्लोटिंग बेड बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बेड बनाते हैं। सो जब भी आप फ्लोटिंग बेड बना रहे हो सो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसकी एजेस बाहर आ रही है, फ्लोट हो रही है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपरली मिनिमम 3 इंच का दोनों तरफ से राउंड हो। उसके बाद वाला पॉइंट आता है आपका जो भी डाइनिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, टीवी यूनिट है, वो सबके एजेस कभी भी ऐसे शार्प रेक्टेंगुलर नहीं रखने हैं। मेक श्योर टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ राउंडेड एजेस फॉर डाइनिंग टेबल और एनी टेबल यू आर डिजाइनिंग इन योर हाउस। उसके बाद आता है किचन। किचन में अभी जो ट्रेंडिंग डिजाइन चल रही है कि हैंडल लेस किचन बनाना है, सो जी प्रोफाइल में सपोज के आप जा रहे हो तो उसका जो भी प्रोफाइल हैंडल है उसकी लेंथ होती है 10 फिट। अभी आपका ड्रॉवर का लेंथ हो गया 5 फीट या 6 फीट या 4 फीट, सो उसमें क्या हो जाता है, वो आपका 10 फीट का जो प्रोफाइल है, हैंडल है, उसको मिस्त्री कहीं से भी काटेगा। अगर आपको 3 फीट का हैंडल चाहिए तो वो 3 फीट से वो कट करेगा। सो उसमें क्या हो गया कि प्रोफाइल हैंडल बनते हैं एसएस के, कहीं से भी उसमें बीच में से कट किया सो बट ऑब्वियसली आपका वो जो एज है वो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो कार्ड पेपर आता है, रबिंग पेपर आता है, उससे वो सारी एजेस अच्छे से घिसवा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कई बार आपने देखा होगा कि जो डोर्स होते हैं, बच्चों का सबसे फेवरेट प्लेस टू प्ले होता है डोर के आजू बाजू में। सो सबसे पहला एरिया जो डोर में आपको ध्यान रखना है, जहां से आप डोर का हैंडल ओपन करते हो उसके अपोजिट साइड जहां पे हिंजेस लगते हैं, कितने इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, सुने हैं और ऑब्जर्व किए हैं कि बच्चे ने हाथ रख दिया है वहां पे और किसी ने डोर बंद कर दिया, उसमें बहुत डेडली लग जाने का चांस रहता है क्योंकि वो फिंगर लिटरली कट हो जाती है वहां से। सो ये चीज नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो वैसे शीट्स आते हैं विच यू कैन अप्लाई ऑन द अदर साइड जहां पे आपकी डोर के हिंजेस लगते हैं, सो दैट कितना भी जोर से अगर डोर बंद हुआ वो पूरा गैप कभी फिल नहीं होगा और कभी भी किसी बच्चे का हाथ वहां पे आ गया तो फिंगर कभी भी डैमेज नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि मास्टर बेड में ही मोस्टली बच्चे जब तक 4 या 5 साल के नहीं हो जाते डेफिनेटली को स्लीप होता है इन इंडियन हाउसेस। सो ये हो जाता है कि अगर बच्चा अकेला सो रहा है या आप थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गए हो और बच्चा बेड पे सो रहा है तो देर आर हाई चांसेस कि बच्चा करवट लेगा और गिर जाएगा फ्लोर के ऊपर। सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ बेड रेलिंग्स, बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अगेन इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट बिलो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबके लिंक्स रखे हुए हैं।
ऐसी अगर बेड रेलिंग कर ली तो वो क्या हो जाता है कि इजीली डिटेचेबल भी होती है और बहुत ही इजीली आप उसको वापस लगा सकते हो। तो कभी 5 साल 6 साल बाद अगर बच्चा अलग रूम में सो रहा है तो आप उसको फोल्ड करके आराम से निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है स्विच बोर्ड के सॉकेट्स। कोई भी बच्चा, वो उसका सबसे फेवरेट जो खेलने का एरिया होता है वो होता है स्विचेस एंड द सॉकेट। तो कई बार ये हो जाता है कि हमारा ध्यान नहीं रहा और बच्चे वो जो सॉकेट होता है उसमें जो होल्स होते हैं उसमें फिंगर्स डालते हैं या कुछ और टॉय मिल गया टॉय डाल रहे हैं, बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि करंट लग सकता है। इन दैट केसेस क्या कर सकते हो आप, जितने भी आपके प्लग पॉइंट्स है उसके ऊपर एक बेबी प्रोटेक्टर शील्ड आता है, वो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इतना अच्छा क्वालिटी का होता है कि वो बच्चे आराम से निकाल भी नहीं सकते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। नेक्स्ट आता है वॉशरूम। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वहां पे भी होने के चांसेस रहते हैं। सो आपको जनरली क्या हो जाता है कि आपने बच्चे के अंदर नहला दिया एंड देन आप कुछ टॉवल लेने गए या कपड़े लेने गए या तो बच्चा खुद भाग रहा है और बाथरूम में स्लिप हो गया। सो बहुत ही अच्छी डोर मैट्स आती है जो कि नॉन स्लिपरी होती है और उसमें ड्रेन भी हो जाता है जो कि आप स्क्रीन पे ऐसे देख रहे हो। आपका जैसे ही शावर एरिया खत्म होता है ड्राई एरिया स्टार्ट होता है वहां पे यू कैन प्लेस दिस काइंड ऑफ मैट्स जो बहुत अमेजिंग और क्लासी लुक भी देता है और बच्चों को स्लिप होने से या इवन हम लोगों को भी स्लिप होने से बचा सकता है वो। उसके बाद वाला जो पॉइंट आता है वो है घर में जो आप कटलरीज रखते हो वहां पे मोस्टली हम चाकू भी रख देते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्टैंड होता है जिसमें स्पून भी रखे हुए चाकू भी रखे हुए। कोई भी बच्चे के हाथ में अगर चाकू आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसे मैग्नेटिक नाइफ स्टैंड आते हैं जो कि आप थोड़ी सी हाइट पे रख सकते हो और घर के जितने भी नाइफ है सीजर है जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है आप वहां पे आराम से लगा सकते हो और आप उसको बच्चे के माइंड में भी ऐसे डाल सकते हो कि दिस एरिया यू शुड नॉट टच, अदरवाइज स्पून के साथ ही नाइफ रख दिया सीजर रख दी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही और डिजाइन टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम जहां पे हम डे टू डे टिप्स और ट्रिक्स अपलोड करते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट सीन अवर यूट्यूब चैनल वहां पे कंप्लीटली होम टूर वीडियोस भी है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी है विच यू कैन गो एंड चेक। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।